एमएस धोनी आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों में से एक है। दरअसल बतौर कप्तान उनका प्रदर्शन काफी शानदार रहा है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन बतौर बल्लेबाज उनका प्रदर्शन अब लगातार गिरता ही जा रहा है। साल 2020 के सीजन में एमएस धोनी ने 14 मैचों में 200 रन बनाए थे, तो वहीं साल 2021 में आईपीएल में उन्होंने 16 मैचों में सिर्फ 114 रन बनाए थे। हालांकि इसके बावजूद भी 2021 में चेन्नई चैंपियन बनी थी। अब इस बीच एमएस धोनी के प्रदर्शन को लेकर पूर्व क्रिकेटर रतिंदर सिंह सोडी ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल आईपीएल के पिछले दो सीजन से एमएस धोनी के बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं निकला है। उनकी बल्लेबाजी को लेकर टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर रतिंदर सिंह सोडी का मानना है कि धोनी के सुनहरे दिन अब खत्म हो चुके हैं। अब धोनी काफी नीचे बल्लेबाजी करने लगे हैं, और जहां तक मैच खत्म करने का सवाल है तो यहां भी उनकी स्किल अब कम हो रही है। दरअसल रतिंदर सिंह सोडी के मुताबिक एमएस धोनी को अब ऊपरी क्रम में आकर बल्लेबाजी करनी चाहिए, जिससे टीम को फायदा होगा। दरअसल एक न्यूज चैनल पर बात करते हुए रतिंदर सिंह सोडी ने कहा, अब एमएस धोनी को ऊपरी क्रम पर बल्लेबाजी करनी चाहिए, अब वो उस तरह के फिनिशर नहीं रह गए जो वो पहले हुआ करते थे। अगर वो अब 10वें या 11वें ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो बाद में सेट होने के बाद वो तेजी से रन बना सकते हैं। धोनी इस बात को जानते हैं कि वो सीएसके के लिए कितने अहम है। वहीं टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को लेकर रतिंदर सिंह सोडी ने कहा, उनका फॉर्म आईपीएल में काफी अहम होने वाला है। जिस तरह से उन्होंने मोहाली टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ बल्लेबाजी और गेंदबाजी की, ये सीएसके टीम के लिए काफी अच्छा है। अगर वो फॉर्म में रहते हैं तो सीएसके को फाइनल में पहुंचा सकते हैं। बता दें कि जडेजा ने चोट के बाद वापसी की है, जिसके बाद वो काफी लय में नजर आ रहे हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन भी किया है। खैर दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी को लेकर आपको क्या लगता है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।